बी इट ओ ये क्या बोला मैंने, बी इट। अच्छा, बी इट का जो एक सेंस है वो ऐसे होती है, वेदर इट इज, मतलब ये इट्स वेदर इट इज एंड बी इट दोनों सेम है। जैसे मैं कहूँ ना कि यार रोहन मुझे ना जंक फूड बहुत पसंद है, चाहे वो पिज्ज़ा हो, पिज्ज़ा हो बाय द वे प्रोनंसिएशन, सो चाहे वो पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, पैटीज हो, आई लव ऑल काइंड ऑफ जंक फूड। सो वो ना, ये जो मैंने अभी बात आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि चाहे वो, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे रोहन आई लव जंक फूड, बी इट बर्गर, पैटी, पिज्जा, एवरीथिंग, बी इट। मतलब जैसे हम इंग्लिश में अगर मैं वेदर इट इज यूज करूँ ना, यू विल गाइज विल बी एबल टू गेट मोर सेंस। जैसे यार आई डोंट लाइक, जैसे मैं बोलूँ ना यार आई लाइक एवरी स्पोर्ट्स, वेदर इट इज क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लाइक दिस वे। तो वेदर इट इज अगर आप यूज करना चाहते हो वंडरफुल, अगर इसको और थोड़ा अच्छा यू वॉन्ट टू साउंड, सो यू कैन ईजिली यूज बी इट। बी इट इज लाइक यार आई लव ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, बी इट फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, everything, like this way, be it, मतलब चाहे वो कुछ भी हो, like this way you can use it. Okay, seventh is gonna be so be it. Give me a minute. So it's gonna be so be it. अब ये क्या लिख दिया मैंने? These are like, I mean यार ये actual में वो चीज़ है जो सच में communication में use होती है, and यही पढ़ाना इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, बिकॉज ये ना कनेक्टर्स हैं, ये आपके फ्लुएंसी को ना फ्लुएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। एक बार होता है कि यार मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ पर नहीं कर पा रहा, दीज फ्रेजेस विल हेल्प डेफिनेटली। सो बी इट, सो बी इट ना थोड़ा स्वैग वाला फ्रेज है, कि जैसे कभी कभार होता है ना, वैसे गलत बात है बट कभी कभार ऐसे होता है ना, भाई देख देख तुम लोग मुझे पसंद करो बहुत अच्छी बात है, ना करो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लाइक अब सेंस समझना यार, You guys like me, if you guys like me, wonderful, if not, so be it का मतलब ये होता है कि ठीक है, I mean, मतलब it's okay for me, मतलब I don't, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, like that way. कभी कभार ये होता है ना यार, जैसे रोहन मुझे कह रहा था यार श्रुति wants to break up with me, तो मैंने कहा so be it, ठीक है भाई करना चाहती है करने दे, like this way, so be it. And I'll be providing you all the, मतलब two sentences for each phrases, things will be great for you, so be it. So be it का मैं अच्छा एक और example दूँ, जब जो मेरी sister है ना श्रुति, तो श्रुति ने एक बारी अपनी सैलरी से ये प्लान बनाया कि वो अपनी सारी की सारी सैलरी ना शॉपिंग, उसकी शॉपिंग कर लेगी। तो मैंने ऐसे बोला या इफ शी वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑल हर मनी इन शॉपिंग, सो बी इट, ठीक है भाई आपको चारा तो है नहीं, सो बी इट, so be it, like this way, you know, you guys will get the sense. Okay, now eighth, it is one of those days, it is one of those days, आपने सुना होगा it is one of those days. कोई भी अपने सबसे बेकार दिन को डिस्क्राइब करना, जैसे मैं बोलूँ ना यार it was a bad day, तो it was a bad day को replace कर सकते हैं हम किससे, यार It is one of those days, या फिर वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो it should be was. It was one of those days. It was one of those days. Like this way. जैसे मैं बोलूँ ना यार पता क्या हुआ, Yesterday I woke up late. My laptop was not working. I forgot my mobile phone as well. It was one of those days. Everything went terrible. मतलब यार वो उन कभी कभार कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब साला कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता, तो we can describe those days like It was one of those days. Like, पता क्या हुआ कि मैंने आज वैसे रोहन को सॉरी बोल दिया है, तो मैंने रोहन को कैसे बोला, कल ना रोहन कल वैसे ही इतना दिन खराब हो गया था, तो रोहन का फोन आया एंड ही स्टार्टेड यू नो प्लेइंग एंड ऐसी कुछ बातें करने लग गया, तो मैं तो आई शाउटेड एट हिम, आज मैंने उसको कॉल किया एंड आई सेड कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रोहन, येस्टरडे वॉज टेरेबल, इट वॉज वन ऑफ दोज डेज एंड आई एम सो सॉरी, इट वॉज वन ऑफ दोज डेज, मतलब कि यार वो बहुत बुरा दिन था, इट वॉज वन ऑफ दोज डेज। जैसे अगर अच्छा एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे विराट कोहली जी अगर कहे ना, या इज अ लेजेंड सो जी वुड बी देयर, सो विराट कोहली जी से अगर कुछ पूछे ना हम कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ, तो वो आराम से ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आई मीन वी प्लेड वेल बट इट वॉज वन ऑफ दोज डेज एंड वी लॉस्ट इट, I mean when it comes to New Zealand ke saath. So like this way, it was one of those days and we lost it. Matlab, wo ek bekaar din tha and wo ek kharaab din tha and we lost it. Like this way we can use it. I hope that this is clear. Okay. So okay, let me write it down this here. It was. Okay. Dodge the question.
डॉज द क्वेश्चन. अच्छा वैसे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, डोंट डॉज द क्वेश्चन. आपको पता है डॉज मतलब क्या होता है, जैसे मैं ये ना मैं ऐसे फेंकूं, तो व्हाट यू गाइस डू, ये ऐसे जैसे किसी ने मेरे पे फेंका एंड मैंने व्हाट आई डिड आई जस्ट डॉज्ड. तो डॉज द क्वेश्चन मतलब होता है ओए ओए रोहन फटाफट बता तूने ना कैसे किया, फटाफट बता मैंने जो पैसे दिए थे कहाँ खर्चे. एंड रोहन कोई और बात करने लग जाए तो मैं रोहन को क्या कहूंगा, हे रोहन डोंट डॉज द क्वेश्चन, या फिर डोंट डॉज माई क्वेश्चन. डोंट डॉज माई क्वेश्चन मीन्स कि मेरे तू क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ ना उससे बच मत, आंसर दे उनको. डोंट डॉज माई क्वेश्चंस. डॉज मतलब वैसे भी क्या होता है, आई मीन अ क्विक मूवमेंट वाया विच यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी थिंग विच इज अप्रोचिंग यू, लाइक दिस वे वी कैन लर्न इट. डॉज कोई आई मीन इज इट एनी थिंग टू अंडरस्टैंड. टूडे सेशन इज वेरी सिंपल एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मेक मोर सेशन आउट ऑफ इट, बिकॉज आई मीन ये बहुत ईजी चीज़ें एंड वेन यू गाइज विल स्पीक इट यू गाइज विल एबल टू नो एंड यू गाइज विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. तो अब ये बहुत सिंपल है, इट्स कैच द इट्स आई एंड बॉल्स. आई बॉल्स वैसे एक वर्ड है सो देर इज नो स्पेस इन बिटवीन, इट्स आई बॉल. लेट मी राइट इट क्विकली. ओके सो इट्स गोना बी आई बॉल्स. कैच द आई बॉल्स. कैच द आई बॉल्स कैन ईजली बी रिप्लेस्ड वेयर वी से, जैसे आई मीन वी गाइज आई मीन एनी ऑफ यू गाइज वॉच बिग बॉस. सो मैं अगर कहूँ ना कि जो सना है ना, आई मीन शी जस्ट ट्राई टू ग्रैप द अटेंशन. सो आई कैन सिंपली से शी जस्ट, यस सना रोती रहती है बिकॉज शी एक्चुअली वॉन्ट्स टू कैच द आई बॉल्स और ग्रैप द आई बॉल्स. शी जस्ट वॉन्ट टू कैच द आई बॉल्स या शी जस्ट वॉन्ट टू ग्रैप द आई बॉल्स. तो ग्रैप वर्ड भी एंड कैच वर्ड भी दोनों ठीक है. कैच द आई बॉल्स, ग्रैप द आई बॉल्स भी हर जगह होता है. कैच द आई बॉल्स बोथ आर करेक्ट. कैच द आई बॉल्स मतलब यार शी जस्ट वॉन्ट टू ग्रैप द आई बॉल्स, शी जस्ट वॉन्ट टू कैच द आई बॉल्स मतलब ये तो एक अटेंशन सीकर है, लाइक दैट वे शी जस्ट वॉन्ट टू कैच द आई बॉल्स मतलब ये चाहती है कि सब इसको देखें. जैसे मैं बोलूँ ना नो 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 आई डोंट वॉन्ट टू कैच एनी आई बॉल्स, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है अब मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मतलब मैं कोई तमाशा नहीं बना. आई डोंट वॉन्ट टू कैच द आई बॉल्स, आई डोंट वॉन्ट कि सब लोग देखें, लाइक दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड इट. So I hope guys that you understood the session of today. Extremely sorry for my bad handwriting, but if you guys really like this video, and it's very easy, and now you just have to wait for the screenshot. It will be coming to you very soon. It's Aman Maskeen signing off, and please, if you haven't subscribed my channel till now, do it. And if you like this video, do like it as well. And what I can say, I mean, if you really want to create some sentences, you can create it down in, in the comment section. It's Aman Maskeen signing off. Please like this video if you liked it. Thank you so much, and take very good care of yourself. Take care.